हे गाइस, तो फाइनली स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी का स्क्रीनिंग ख़त्म हो चुका है और अब इस मूवी का फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू भी आना स्टार्ट हो चुका है, जिसमें बहुत सारे क्रिटिक्स अपना ओपिनियन शेयर किए हैं, जिसे मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। और हाँ, इस वीडियो में आपको एक भी स्पॉइलर सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। तो ये वीडियो फुल्ली स्पॉइलर फ्री होने वाला है, जिसे आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। गाइज, स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी का रन टाइम 2 आवर्स 28 मिनट्स का है, जिसे ऑफिशियली CVFC के द्वारा कन्फर्म किया गया है। और अब इस मूवी का वर्ल्ड प्रीमियर भी ख़त्म हो चुका, जिसके बाद इस मूवी का रिव्यू आना स्टार्ट हो चुका है। और हाँ, टोमेटोज मीटर भी, जिसमें से पहले बात करूँ रिव्यू पे, तो मैंने जितने भी रिव्यू ब्लॉग पढ़े हैं उनमें से 95% से ऊपर लोगों का बस यही कहना है कि ये मूवी मोस्ट इमोशनल मूवी होने वाला है और बेस्ट स्पाइडरमैन का मूवी भी। मतलब अब तक जितने भी स्पाइडरमैन के कैरेक्टर पे मूवी बनी है उन सभी में से ये मूवी बहुत ज़्यादा बेहतर है, और हाँ इमोशनल भी। और इसे देखने के बाद बस आप इतना कहोगे कि टॉम हॉलैंड ने कमाल कर दिया, और ये बेस्ट लाइव एक्शन में स्पाइडरमैन की मूवी है। और इसमें आपको थ्रिलर भी देखने को मिलेगा और स्मार्ट फन भी, मतलब अगर इसे बच्चे भी देखें तो आराम से इन्जॉय कर सकते हैं। और कुछ सीन तो ऐसे हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाओगे, और कुछ हार्ट ब्रेकिंग सीन भी है। और आप जो पीटर पार्कर की स्टोरी चाहते हो वो आपको इसमें मिलेगा। और रही बात एंड की, तो ये ट्रायलॉजी का एक बेस्ट एंड है, जिसके लास्ट में आप स्पाइडरमैन का रियल रूप देखोगे जो वो कॉमिक में था। मतलब अपने आप को वो इस मूवी में एस्टेब्लिश करने वाला है और प्रूफ करेगा कि वो एक अच्छा स्पाइडरमैन है, जिसे किसी और की ज़रूरत नहीं। और ये सेम काम वो होमकमिंग मूवी में भी कर चुका है, जिसमें वो वल्चर के कैरेक्टर से अकेले ही लड़ने चला गया था। और रही बात कास्ट और कैरेक्टर के परफॉर्मेंस की, तो नो डाउट कि सभी ने अपने कैरेक्टर को अच्छे से प्ले किया है। और इसके विलन में ज़्यादा तारीफ ग्रीन गॉब्लिन और इलेक्ट्रो की हो रही है, और लोग स्पेशल इफेक्ट की भी तारीफ कर रहे हैं, और ख़ास करके उस सीन का जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को चेस करते हैं। और ये फाइट स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच होने वाला है, जो एक आइडियोलॉजी का फाइट होगा, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से इस क्यूब को वापस पाना चाहेंगे और वो उस स्पेल को रिवर्स करेंगे ताकि सभी विलन्स अपने अपने यूनिवर्स में चला जाए। लेकिन यहाँ पर पीटर ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि आंट मैं चाहती थी कि उन सभी को दूसरा मौका मिलना चाहिए सुधरने का, जिस वजह से पीटर इस क्यूब को लेकर भागेगा ताकि डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा ना कर पाए। वेल, तो ये मामला कैसे सॉर्ट आउट होगा वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, और मैंने जो भी बात आपको ऊपर बताया है वो कोई स्पॉइलर नहीं था, तो टेंशन मत लेना, क्योंकि ये डिटेल मूवी रिलीज से पहले रिवील की गई है ऑफिशियली डेडलाइन वालों की तरफ से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्पॉइलर है। और अभी मैं जिस टाइम पर वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पर रोटेन टोमेटोज का मीटर 100% का है, जिसमें 27 सर्टिफाइड लोगों ने रोटेन टोमेटोज के साथ ओपिनियन शेयर किए हैं। तो जब ये मूवी रिलीज होगी तो हो सकता है कि रेटिंग कुछ नीचे आ जाए, क्योंकि बढ़ तो नहीं सकता, और जिस तरह से क्रिटिक्स इस मूवी का रिव्यू दे रहे हैं उस हिसाब से मैं ये मूवी देखने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ, और आई थिंक आप भी होंगे। तो अब वेट करते हैं, और इस वीडियो को एंड भी, क्योंकि जब तक मैं बात करूँगा तब तक स्पॉइलर देता ही रहूँगा। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप चाहो तो इस चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और कुछ पूछना है किसी मूवी के बारे में या फिर किसी वेब सीरीज़ के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं लगभग सबको रिप्लाई देता हूँ। तो फिर मिलता है आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।